onion, potato, बेसन और ये सब चीज़ें, अजवाइन, चिली, मेथी, धनिया, सॉल्ट और बेकिंग सोडा, ठीक है जी, ये सब। तो आज हम बनाते हैं, सबसे पहले मुझे बेसन लेना होगा, ठीक है जी। देखिए मैंने बेसन एक कप इसमें डाल दिया है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। चलिए जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये भी सारा मसाला मैं इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है जी, सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। आपको पता है कि पकौड़ों में ज़्यादा बेसन भी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा बेसन हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता और पानी भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी मुझे इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना होगा, तो मिक्स करें, मिक्स मिक्स, ठीक है। बस में फ्रेंड मैंने इसमें ये चाट मसाला भी डाला है, ठीक है जी, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ठीक है जी। तो अब हम इसमें ये सब चीज़ें डालेंगे। तो फिर से कि मैंने इनको मिक्स कर दिया है सब मसालों को, ठीक है जी। तो अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना ऑयल ऑलरेडी पहले गरम करने के लिए रख लिया था, अब मैं इसमें पकौड़े डाल दूँगी। वैसे भी पकौड़े बनाना बहुत इजी काम है, सबको आते हैं, वैसे ही मैं बना रही थी तो मैं भी वीडियो बना लूँ। तो अभी बनेंगे फिर हम खाएंगे, आप दिन लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि एक साइड से पक गए हैं कि नहीं, मतलब इनकी साइड चेंज करें हम, मैं तो फॉक ही यूज़ करती हूँ, ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी, आप जिससे भी करें। तो मैं तो इनकी साइड चेंज करूँ, एक साइड से अच्छे से पक गए हैं आई थिंक, साइड चेंज करेंगे हम फिर। हाँ जी अब ये बन रहे हैं हमारे पालक के पकोड़े, बड़े मज़े के बनते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। साइड चेंज करने के बाद आपको पता क्या करना है, आपको की मदद से इसके इन साइड चेक करें ऐसे, और इसको हर पकोड़े पर से फॉक लगाएं ताकि अंदर से पक जाए, ठीक है। अभी ये पके नहीं है तो मैं वेट करूँगी इनका और थोड़ा सा पकेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें अभी हम इनको निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं इनको निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये हमारे पकोड़े हो गए रेडी, देखें ये पालक के पकोड़े रेडी हो गए विथ चटनी, ये पुदीने की और कुकम्बर, पुदीना और मिंट वगैरह सब इसकी इसमें काफ़ी चीज़ें कभी फिर बनाऊंगी मैं, और ये है केचप। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा पकोड़े, पालक के पकोड़े, ठीक है जी, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बने, बड़े मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।